नमस्कार दोस्तों मैं हूं रवि कौशल और आप देख रहे हैं के दोनों सदनों ने में उन्होंने कहा है की न सिर्फ बिल प्राइवेट देश में साइंटिफिक रिसर्च को प्राइवेट सेक्टर के हवाले कर देगा बल्कि केंद्रीकरण का खतरा जो है उसको भी बढ़ा देगा इन्हीं सारे मुद्दों पर बात करने के लिए हैं आज हमारे साथ दिनेश अबरोल दिनेश अबरोल रिटायर्ड चीफ साइंटिस्ट हैं सी एस आई आर से आ, दिनेश सर शुक्रिया न्यूज क्लिक से बात करने के लिए मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि आ, जिसे हम कहें कि आप लोगों का आरोप है कि ये जो बिल है वो देश में जो साइंटिफिक रिसर्च है उसको प्राइवेट सेक्टर के हवाले कर देता है पहली बात ये कि ऐसा कैसे होगा और दूसरा ये कि इसका नुकसान क्या है देखिए ये जो एक्ट बना है इसकी बहत्तर प्रतिशत से ज्यादा जो फंडिंग होगी वो प्राइवेट या जो कॉरपोरेट फिलंथरापी कहते हैं जिसको जो मैकेजम है उसके द्वारा फंड्स एलोकेट होंगे मतलब अमीर लोग जो है हाँ बिल मिलिंडा गेट फाउंडेशन है आ, कई वेलकम फाउंडेशन है ये जितनी भी फाउंडेशन और इन्फोसिस फाउंडेशन है दूसरी फाउंडेशन टाटा फाउंडेशन है ये जो है बहत्तर प्रतिशत फंड इस एन वी सी मतलब इसमें निहित है कि वो एन आर एफ को चलाएगा और छब्बीस से अट्ठाईस प्रतिशत के करीब जो है फंड सरकार की तरफ से आएगा और इसको जो चलाएगा जो गवर्निंग बॉडी होगी उसमें उनके भी नुमाइंदे होंगे अभी तक जो थी, जो जो थी थी सरकार की तरफ से जो फंडिंग आती थी रिसर्च को कि, आ, उसकी समझ थी कि साइंस जो है वो मार्केट से ऑटोनमस होनी चाहिए बाजार क्या नीचे बिल्कुल वो मुक्त होनी चाहिए और ऐसा ही आ, ये आ, लगातार अभी तक का रिवाज था और अभी तक के रिश्ता था साइंस का पब्लिक फंडिंग के द्वारा अब पब्लिक फंडिंग जो है इस प्राइवेट कॉरपोरेट फंडिंग के अंदर जो है काम करेगी उसी गवर्निंग बोर्ड में उनके नुमाइंदे भी होंगे नंबर एक दो लेकिन पहले ये भी जानने की जरूरत है कि जो प्रभाव की बात कुप्रभाव की बात कर रहे हैं कि हमारे उस पर विरोध क्यों कर रहे हैं वह सी नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का प्रोजेक्ट जो है पिछले पाँच साल से ए, जो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर का ऑफिस का वेबसाइट है उस पर आप देख सकते थे और वादा किया गया था कि बहुत बड़ी मात्रा में स्टेट यूनिवर्सिटीज़ को सपोर्ट दिया जाएगा इसके द्वारा और बहुत सारे और भी उसके एस्पेक्ट थे लेकिन सबसे बड़ा जो एस्पेक्ट था कि स्टेट यूनिवर्सिटीज को दूसरा उसका मुख्य था कि सोसाइटल एप्लीकेशन के लिए सामाजिक मुद्दों के लिए चुनौतियों के लिए फंड्स मिलेंगे यदि बाजार की जो फंडिंग मैकेनिज्म है जो व्यवस्था है उसके फंड यदि डिटर्मिन करेंगे आप समझ लीजिए जो रिसर्च सोसाइटी में तो वो तो अपनी मैजिक बुलेट्स बांटेंगे वो कहेंगे फोर्टिफाइड राइस दे देते हैं आपको अनिमिया का फॉरन आयरन दे दे जो है इस तरह से वो जो है उसको सुलझाना चाहेंगे हाँ। या आपको गोल्डन राइस मिलेगा या और ये बिल मिलिंडा गेट फाउंडेशन अभी तक कर रही है फोर्टिफाइड जो चल तो रही है और तो बायो फोर्टिफाइड क्रॉप भी है वो उनके रिसर्च के एजेंडा है लेकिन पब्लिक फंडिंग अभी तक उसको कहीं ना कहीं विकल्प देती थी चाहे इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च सिस्टम ले लो या सी एस आई आर का सिस्टम ले लो या डी बी टी का सिस्टम ले लो पब्लिक फंडिंग की अटोनमी थी उसकी जो आज़ादी कह लीजिए उसकी जो स्वतंत्रता थी उसको साइंटिस्ट इस्तेमाल कर सकते थे ऐसे कामों के लिए जो कि बाजार को सर्व नहीं करेंगे बल्कि जनता को सर्व करने का पोटेंशियल रखेंगे तो ये जो नया मैकेनिज्म है एन का उससे उसको बहुत बड़ा खतरा है हालांकि अभी आ, 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 और डिटेल्स जब उभरेंगी तो और विश्लेषण किया जाएगा लेकिन इस समय पब्लिक फंडिंग के बारे में एक और आ, बड़ी ख़ास बात कहने की ज़रूरत है पचास हजार करोड़ की बजट होगा इसका एन का जिसमें से छत्तीस हजार करोड़ यही प्राइवेट से आएगा कॉरपोरेट से आएगा फिलंथ्राफी से आएगा और जो चौदह हजार है उसमें से चार हजार तो ऑलरेडी एस सी जो है साइंस इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड जो कि डी के तहत काम ऑटोनस बोर्ड है वो uh, से सेक्रेटेरिएट प्रोवाइड करता है उसको वो बोर्ड जो है आठ uh, सौ रुपया आठ सौ करोड़ हर साल देता है चार हजार करोड़ पांच साल के लिए तो दस हजार करोड़ ही और पब्लिक फंडिंग आएगी दो हजार करोड़ हर साल एट द मोस्ट और जहां एक और भी आ, आ, मतलब इसमें ये 2000 करोड़ आ, आप समझ लीजिए स्टेट यूनिवर्सिटीज को भी जाना है सोसाइटल एप्लीकेशन के लिए भी जाना है जो कि इनोवेशन रिसर्च और इनोवेशन दोनों को इसके तहत ला रहे हो तो इनोवेशन जो है काफी कॉस्टली होती है उसमें खर्चा ज्यादा होता है उसमें पैसा ज्यादा लगता है क्योंकि आपको एक्सपेरिमेंटल जो रियल वर्ल्ड में करने पड़ते हैं लैब में नहीं करने पड़ते तो यदि उसके लिए और ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ती है स्केल के ऊपर होता है तो ये जो ए, 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 पैसा दो हजार करोड़ कुछ भी नहीं है तीसरी बात जो, जाने जो अभी भी ये जो कॉरपोरेट सपोर्ट है और प्राइवेट सेक्टर की सपोर्ट है वो नोशनल है क्या जो ऑलरेडी प्रोग्राम चल रहे हैं उसको इसके द्वारा वो ए, जो ना शामिल कर लेंगे एनआरएफ की तरह आता हूं मैं सेंट्रलाइजेशन के ऊपर जो आप हाँ कह रहे हो जो कि आ, आ, वही क्या फंडिंग जो बिल मलिंडा वेलकम जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से में के अंदर होती है या आ, इसके अंदर होती है अपने डीबीटी के डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के और भी कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे वो ऑलरेडी फंडिंग दे रहे हैं क्या वो फंडिंग सेंट्रलाइज हो जाएगी अभी तक वो मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनिशिएटिव थे मतलब आपने एक प्रपोजल जो है किसी एक डिपार्टमेंट को दी वहां लगता है कि वो डिपार्टमेंट इंटरेस्टेड नहीं है दूसरा डिपार्टमेंट इंटरेस्टेड है डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च के पास ले जाएंगे साइंटिस्ट के पास एक ऑप्शन थी एक फ्लेक्सिबिलिटी थी एक ये लेकिन ये टोटल केंद्रीयकरण करना प्रधानमंत्री तो मतलब मैं इस वाले सवाल पे हम बाद में आएंगे सरकार का जो तर्क है ना वो ये है अभी तक कि ये जो साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड एक्ट था उसका स्कोप खत्म हो गया था क्या आप इस बात से सहमत हैं नहीं साइंस इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड भी जब बना था 2008 में मैंने आ, आ, कपिल सिब्बल उस समय मैंने शुरुआत करते थे उनसे भी बात की थी उस समय भी मैंने सुझाव दिए थे कि जो हिंदुस्तान का रिसर्च लैंडस्केप है उसमें ज्यादा फंडिंग अभी भी मिनिस्ट्री सेंट्रल मिनिस्ट्री यूनियन गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज के थ्रू हो रही है और वो भी ज्यादातर साइंस मिनिस्ट्रीज के थ्रू हो रही थी यदि उससे पहले जो सिचुएशन थी कि 50 प्रतिशत जो फंडिंग हुआ करती थी वो अलग अलग इकोनॉमिक और सोशल मिनिस्ट्री से होती थी और 50 प्रतिशत फंडिंग होती थी साइंस डिपार्टमेंट जो है डीएसआईआर है डीएसटी है डीबीटी है तो यदि वो वाली जो सिचुएशन में एस भी एक ही एजेंसी थी और भी थे तो एस से भी जब हमने कहा कि यदि आप ला रहे हैं तो ये भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट का मैकेजम हो गया इसमें आप यदि आज जो उस समय भी 2008 में भी चुनौती थी कि स्टेट यूनिवर्सिटीज जो हैं को बहुत कम फंडिंग मिलती थी स्टेट एस एन काउंसिल्स को बहुत फंडिंग कम मिलती थी तो यदि ये स्टेट इस समय यदि डेवलपमेंट एंड एक्सपेंडिचर इम्प्लीमेंट करते हैं ज़्यादातर स्कीम्स वही इम्प्लीमेंट करते हैं तो उनको नॉलेज प्रोडक्शन की सपोर्ट चाहिए उनको रिसर्च की सपोर्ट चाहिए स्टेट गवर्नमेंट्स को आप इसमें इन्वॉल्व करिए इसके बोर्ड में और बहुत उसने अप्रिशिएट किया कहता नहीं अब मैं नहीं कुछ कर सकता अब जो है ये रिकग्नाइज करते हुए काफ़ी देर से ये चुनौती रही है कि एस में भी वो कमी थी लेकिन आप इसमें आपने कहा कि अपन दुरुस्त करेंगे उसको बदलेंगे उस स्थिति को लेकिन एनआरएफ में आपने बल्कि उससे भी उल्टा काम किया आपने और केंद्रीयकरण कर दिया उसको और सेंट्रलाइज कर दिया चौथी बात जो कहने की जरूरत है यदि आप आ, सी, इसको नवदारीकरण के संदर्भ में देखें तो जब उन्नीस के आसपास यदि जो फिगर्स मिलती हैं हमें उस समय जीरो जीरो पॉइंट नाइन परसेंट का एस्टिमेट था जीडीपी का परसेंटेज जो है हम आर में स्पेंड करते हैं अब नीचे आ गया जीरो पॉइंट सिक्स फाइव परसेंट ऑफ जी डी पीज ड्रॉप मोर देन थर्टी परसेंट ड्रॉप और भी ज्यादा बड़ा जो चैलेंज है तो ये जो यदि कंपेयर करें दूसरे कंट्रीज के साथ चाइना के साथ भी यदि अपन कंपेयर करें वो सब यौरप के साथ करें यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, के के साथ करें।, करें उनका रेंज दो, दो से किस परसेंट किसी का कम भी नहीं है और हमारा टारगेट रहा है दो परसेंट का ऑफ जीडीपी का आज से नहीं ना अ, अर्ली नाइन्टी से उन्नीस ना सौ उन्नावे नब्बे में पहली बार दो हजार तीन की पॉलिसी हमने बनाई उसमें भी हमने कहा कि दो परसेंट होना चाहिए उस समय मुरली मनोहर जोशी हुआ करते थे फिर 2013 की पॉलिसी बनी यूपीए 2 के तहत तब भी दो परसेंट का वादा किया गया और सोच ये थी कि कॉर्पोरेट सेक्टर से पैसा आएगा प्राइवेट सेक्टर से वो आया, से पैसा, आया।, वो आया नहीं हाँ। है तो ये भी तो मैं कहूँगा ये जो कॉर्पोरेट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर जो है ये कोई एडिशनल नहीं है ये नोशनल है क्योंकि जो पैसा ऑलरेडी आ रहा है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को वही जो है शायद मोरोलेस हो सकता है ये तो यहां पे है है कि बाजार जो वो रिसर्च में पैसा लगाने के लिए इंटरेस्टेड नहीं नहीं लेकिन दूसरी तरफ आप देखें, इन्होंने स्कीम है, स्कीम है। अभी का, को, सत्तर प्रतिशत कॉस्ट उसकी आ, आप सपोर्ट करने को तैयार है और कोई आर एनडी नहीं करेंगे उस, उसमें भी दिलचस्प बात है कि आपके कोई आर एन डी के लिए सपोर्ट नहीं डिजाइन के लिए कोई उसमें सपोर्ट नहीं माइक्रोन से अभी जो अलग अलग चौदह सेक्टर में पी एल आई स्कीम्स हैं प्रोडक्शन लिंक सेंटर्स की चाहे फार्मा ले लो चाहे ऑटोमोबाइल ले लो सेमी कंडक्टर ले लो कोई भी सेक्टर ले लो उसमें उन्हें मेरा ख्याल है दो या ढाई लाख के करीब ऑलरेडी कमिट कर रखा है तो एक और जो, जो इसमें जो सवाल बन रहा था जो मैं ये बिल देख रहा था तो उसमें सरकार का जो स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड रीजन है उसमें वही कह रहे कि देश में जो देश का जो डेवलपमेंट होगा उसमें जो है आर की भूमिका होगी और वो जो है इसके तहत पूरी होगी आप कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा फंडिंग के स्तर पे तो साफ कर ही दिया दूसरा जब फंडिंग आ, 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 के लिए आ, जो है बिल्कुल अपन मांग करते रहे कि उसको बढ़ाया जाए लेकिन हम ये भी मांग करते रहे कि रिसर्चर्स इंक्रीज हो नंबर ऑफ रिसर्चर्स हमारे दो हैं पर मिलियन दुनिया के हजार हैं 500 सौ है कोई कम नहीं है उससे चाहे आप चीन ले लो चाहे साउथ कोरिया ले लो चाहे आप यूरोप ले लो यूनाइटेड स्टेट्स ले लो और इस समय जो हमारी स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं या जो टोटल एंटिटीज जितनी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है या रिसर्च उसमें तीन परसेंट वहीं सिर्फ रिसर्च होती है हम ज्यादातर टीचिंग यूनिवर्सिटीज mm. कई लोग उसको टीचिंग शॉप ही कहते हैं है ना तो जो रिसर्च जो है लगातार नॉलेज बढ़ रही है विकास हो विकास हो रहा है उसका वो जो उसकी जो ऑब्जॉर्व करते हैं नई नॉलेज को फिर नए और शोध करते हैं उसके लिए व्यक्ति चाहिए ना महिला चाहिए पुरुष वैज्ञानिक चाहिए वो आप एस से ना बढ़ा पाए और ना ही आप एनआरएफ से बढ़ा पाएंगे वो बढ़ेंगे ब्लॉक फंडिंग से जो कि आप यदि फंडिंग इंक्रीज करेंगे डायरेक्टली जहां पे वैकेंसीज भरेंगे अपॉइंटमेंट्स करेंगे आप अपॉइंटमेंट्स ही नहीं करना चाहते और यदि आज अपॉइंटमेंट्स कर रहे हैं तो वो भी आपकी कोई मेरिट पे नहीं है एक्सेलेंस के बेसिस पे नहीं है वो एक पूरा अलग विषय है जिसके ऊपर बातचीत हो सकती है कि क्या हो रहा है हमारे आज विश्वविद्यालयों के साथ जो है तो ये जो जो बड़ा सवाल है कि एन क्या वो कमियाँ पूरी कर पाएगा वो जो हमारे ढांचे में जो कह रहे थे गैप है कमजोरियां हैं है, उसको भर क्या भर पाएगा।, भर पाएगा नहीं भर पाएगा तो एक सवाल जो है वो मतलब ये हमारा आखिरी सवाल है वो मैं ही कहूं कि इस फाउंडेशन के जो मुखिया होंगे वो प्रधानमंत्री होंगे आप आप लोगों ने कहा कि केंद्रीकरण के बढ़ाएगा लेकिन जब हम दूसरी बॉडीज को देखते हैं यूनिवर्सिटीज को देखते हैं सारी चीज़ों को तमाम बॉडीज को देखते हैं वहाँ पे संवैधानिक पदों पे जो बैठा हुआ व्यक्ति है चाहे वो लेट्स से उपराष्ट्रपति है वाइस प्रेसिडेंट है या बाकी लोग हैं वही बैठते हैं तो इसमें आ, मतलब प्रधानमंत्री के आने से चीज़ें बदल कैसे जाएंगी बल्कि आ, मुझे जो आ, चिंता है कि जो बदलेगी तो गलत दिशा में बदलेंगी बदलेंगी तो जरूर क्योंकि देखिए अभी तक जो है एक आ, साइंस uh, और समाज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है कि साइंस को अटोनमी दीजिए स्वायत्तता दीजिए उनको वैज्ञानिकों को uh, uh, सत्य के खोज में जो है शोध करना है। है बाजार जो सत्य नहीं चाहता वो बाजार चाहता, so चाहता।, चाहता।, so चाहता है मुनाफा चाहता है। और, uh, और जो बड़े बिग बिजनेस हाउसेज है और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिसके ऊपर उसके साथ वो कॉम्प्रोमाइज करते हैं कंप्लीट तो यदि मैं शब्द इस्तेमाल करूं कि हमारी पब्लिक फंडिंग जो है अभी एक काउंटर वेलिंग पावर थी भले एक हमारी तरफ से पीपल के हाथ में एक हथियार था उसको स्वायत्तता जो थी उसकी वो उसको इस्तेमाल अपन कर पाते थे लेकिन यदि जिस तरह से सांठगांठ है पूरे नए रजीम के अंदर पीएमओ की और कुछ मोनोपली हाउसेस के साथ बड़े और उन्हीं का फंडिंग जो है यदि मोबिलाइज किया जा रहा है या फॉरेन फंडिंग किया जा रहा है, जो है तो ये फाइल जो है तभी क्लियर होगी जब जो है उनके हित जो है पूरे होंगे और जो हित पूरा नहीं करेगी वो प्रपोजल जो है उनके और उन प्रपोजल को नीचे दरकिनार कर दिया जाएगा ये केंद्रीयकरण का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ प्रधानमंत्री जो है उसके बाद कैपिटल जो है पूंजी जो है बाजार का जो जो है वर्चस्व नहीं रहेगा बल्कि वो ज्यादा वर्चस्व बनेगा सरकार के द्वारा ही वो वर्चस्व बनता है और पी जो है उसका सबसे बड़ा या कोई भी नीति ले लीजिए नीतिगत जो तो रास्ता है जो भी नीतियाँ अपनाई गई हैं चाहे एग्रीकल्चर में ली गई चाहे हेल्थ में ली गई चाहे वो अभी सेमीकंडक्टर में ली गई किसी भी एरिया में चले एनर्जी में ले लीजिए किसी में ले लीजिए अभी इन्होंने पूरे स्ट्रेटेजिक मिनरल खोल दिए क्रिटिकल मंडल को खोल दिया हाँ एक सौ किलोमीटर का पूरा जो हिमालयन बॉर्डर स्टेट्स को खोल दिया वो सारा यदि एक्सप्लॉयड करना है उसको यदि हमने एनवायरमेंटल उसके इम्पैक्ट हैं सोशल इम्पैक्ट्स हैं हेल्थ इम्पैक्ट्स हैं उसके ऊपर यदि या उसको रोकना है कि भाई इस तरह से मत करो तो रिसर्च होनी चाहिए उसके लिए जानकारी ज्ञान विज्ञान जो है उस उसमें काम आए वो इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर पाएगा तो जो सोसाइटल एप्लीकेशन के लिए जो जो एनआरएफ का पूरा ऑब्जेक्टिव था उसमें बहुत बड़ा आघात है ये अभी तक तो, अभी भी इन्फ्लुएंस करते हैं लॉबिस्ट अभी मैं कहता हूँ कि अभी तो पब्लिक साइंस जो है उसको डीलेजिटमाइज किया जाएगा कैसे मर्चेंट्स ऑफ डाउट लगाए जाएंगे क्योंकि इनकी एविडेंस जो है ये तो सही नहीं है होता ना कि ये पेस्टिसाइड चलना चाहिए इंसेक्टिसाइड हर्बिसाइड ये जो है इसमें कोई नुकसान नहीं हो रहा क्योंकि इस ये ठीक है ए ए ए ए इसकी जो अभी तक डोज इस्तेमाल हो रही है उससे कोई बड़ा कोई नुकसान नहीं होने वाला हमारे ना पक्षियों को ना या इंसान को तो ये जो इस तरह की रिसर्च जो है वो जनरेट की जाएगी हमारी यूनिवर्सिटीज को भी यूज़ किया जाएगा कोलेबरेशन में किया जाएगा पी, पी, पी जो होते हैं उसी तरह का ये पूरा मैकेनिज्म हो तो जो अटोनमी थी स्वायत्तता की साइंस थी उसकी जगह रिप्लेस रे, हो जाएगी मर्चेंट्स ऑफ डाउट लोगों के मन में डाउट करना कि कॉर्पोरेट बिल्कुल सही कर रहा है जो भी बाजार में कर रहा है उसके ऊपर सवाल मत उठाओ ये केंद्रीयकरण और ये पूंजी का कारण और दूसरी तरफ सत्ता का राज्य का कारण बहुत खतरनाक है साइंस के लिए और साइंस इससे पहले भी नु, नुकसान भुगती है था? और आज के जमाने में जिस जि समय उस समय इतनी बड़ी मनोपरी नहीं हुआ करती थी पब्लिक फंडिंग मेन मैकेनिज्म हुआ करता था आज जो है आपकी एक लैंडस्केप जो है आपका आरएनडी का पूरा दुनिया में चेंज हो चुका है 80 के बाद से जो है ये जो नवोदारीकरण का जो पूरा फेज है ये उसका एक और नया पिलर है नया स्तंभ है ये एनआरएफ शुक्रिया सर बात करने के लिए तो ये थे दिनेश टौल बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ टेक के साथ